आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो। वीडियो का टाइटल है भारत से माफी ना मांगते तो आज पाकिस्तान नक्शे से गायब होता है। आई थिंक मुझे लगता है कि पुराने ही किसी टॉपिक पर बात हो या अब की। खैर देखते हैं वीडियो, देखते हैं वीडियो फिर पता चलता क्या। और टांगे काम जाती हैं। हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमैट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमैट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए। भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास क्या तोड़ है उसका। सो अब वो एक नया एक चैलेंज आ गया हमारे। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म, बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार है। मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमजोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज्यादा कमजोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की फेंस मेंडिंग और पाकिस्तान का आप कह सकते हैं बैकफुट पे आना, इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बर्तानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज इस वक्त डीएस्केलेशन का वक्त आ गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर ये फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने चर्चा कराया कि अगर हम माफी ना मांगते तो आज पाकिस्तान नक्शे से गायब होता। अजय बिरासिया की किताब द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के खुलासे ने भारतीय वायुसेना के जांबाज फाइटर पायलट अभिनंदन से संबंधित कई जानकारियां साझी की हैं। कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मध्य रात्रि में आए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के काल को नजरअंदाज किया। इस किताब ने यह खुलासा किया है कि भारत ने 9 मिसाइलों को पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात कर दिया था। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव का माहौल था। भारत ने जैसे ही मिसाइलों को सीमा की तरफ घुमाया, उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उसकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। यहाँ पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, मिसाइलों का मुंह मोड़ते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये रात को क्या होता है, रात को जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद, वो उन दिनों इंडिया के जो इंडिया में जो बेस्ड है मगर वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं अजय बिसारिया को और अजय बिसारिया को कहते हैं कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डी एस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली को, दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो, वापस सोहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बर्तानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डी एस्केलेशन का वक्त आ गया है। पहले पाकिस्तान वही अपनी कहानी बताता है इन्हें जो वो हमेशा से बताता आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इंडियंस ने खुद करवाया था। बकौल अजय बिसारिया के अमरीकी और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं था, तुम लोग हमेशा फॉल्स फ्लैग की बकवास करते हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। मगर फिर भी पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस शो करता है और आसिम मुनीर और तहमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमैट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमैट्स हैं,
ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल खान साहब, सुहेल महमूद साहब बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने बड़ी इज सर्विंग दीज डेज एज ए हेड ऑफ थिंक टैंक इन इस्लामाबाद। और इंडियन सॉरी सुहेल महमूद जो हैं वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं और उनको वो कहते हैं कि मुझे रात को कॉल आई कि फ्रॉम द उस वक्त जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में होते थे सुहेल महमूद साहब, बाद में वो सेक्रेटरी खारजा बने, बाद फिर वो अभी वो एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में हेड हैं, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, ठीक है जी। लेकिन और उनको बताया गया और उनको बताया गया कि नहीं जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है तो आप हाई कमिश्नर को खुद बता दें। कहा जाता है कि फिर ये जो 27 फरवरी जारी बात है उस वक्त का वाक्य है 2019 का, फिर कहा जाता है कि 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंड कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ देह है, होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप, वो सच्चा हो झूठा हो वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है जो भी हो जाए। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये उस वक्त अजय बिसारिया साहब, अभी आई थिंक इमरान खान वजीर आजम नहीं बने थे तो इनको वो बैट शर्ट देने गए, तो सारी पीटीआई की लीडरशिप खड़ी हुई है इनको वेलकम करने के लिए कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे, ठीक है जनाब। इस चक्कर में उस वक्त खड़े हुए थे। बहरहाल इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज़ कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। अब देखें, वी एज अ सिटीजन्स वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बिहाइंड द डोर्स, क्या हो रहा है, कैसे बातें कर रहे हैं और क्या प्रेशर है और क्या चीज़ है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें? ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। अच्छा ये पुरानी बात है, जब अभिनंदन को मतलब अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तानी ने, या इधर वो दुराने क्या उसे कहते हैं मुहिम इधर गिरा था, गिराया गया था, तो उसके दौरान ये फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ही मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने 48 घंटे के अंदर वापस कर दिया था। तो ये चीज़ तो इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट की है, ये चीज़ तो हमारे जो क्या नाम है क्या नाम है उसका अयाज सादिक जो साबिक सेंटर रह चुके हैं, कौमी असम्बली के वो स्पीकर भी रह चुके हैं मुझे लगता है अयाज सादिक, हाँ उसने भी एक्सेप्ट किया है। ये तो खुद इमरान खान ने असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि मुझे डर था कहीं इंडिया हमला ना कर दे, तो टांगे कांप गई थी, कांपें टांग गई थी पाकिस्तान की, ये बात तो सच है। तो ये खुलासे अब हो रहे हैं कि 9 मिसाइल इंडिया ने वो कह रहे हैं, वो क्या नाम है चीमा साहब भी कह रहे हैं, वो एस वजाहत नाम उसका वो चुपटकला सा जो है वो भी ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये बात फिर सच ही है ना, आज तक नहीं ना छोड़ा था पाकिस्तान भी सच, मैं मानता हूँ मेरी बात में
यार इंडिया, इस तरह इंडिया को तो पता ही था ना कि हम कोई ना कोई अमल करेंगे, तो उसके जवाब भी कर पाकिस्तान भी तो देख, इस तरह एक वॉर शुरू हो सकती है जो कि एक आटमी वॉर में नुकसान हो सकता है। नो मिसाइल, इस तरह मैं नहीं मानता कि इंडिया इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है। ये बेवकूफी है क्योंकि नो मिसाइल यार एक कंट्री पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ तो करेगा, ये तो नहीं ना हो सकता कि आगे से कोई जवाबी कार्रवाई ना करेगा। मुझे नहीं लगता कि यार ये इमरान खान खुद एक्सेप्ट कर चुका है, यार देखिए पाकिस्तान जो है ना 1971 की तरह लेटेगा, वही होना था और क्या होना, लेट गया यार। वाकई में अगर पाकिस्तान अभिनंदन को ना छोड़ता तो मैं कहता हूँ ये खित्ते में जंग। मैं आज बीबीसी की वीडियो देख रहा था 1971 की, तो उसमें जनरल न्याजी से उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हंस के बातें आगे कर रहे फाइट के लिए, तो ऐसे कह रहे कि जैसे एक मस्खरा सा बंदा नहीं बात करता जिसकी कोई ठोस वजह नहीं होती या कोई ठोस बात नहीं करता, ऐसे आम सी बात कर रहा था कि भाई हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, आए तो सही हम उनसे लड़ेंगे। और उन्होंने एक बड़ी बात की, उन्होंने बात की थी कि जब तक मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा या मैं जिंदा बचूंगा या मर जाऊंगा। तो तीसरी बात निकली कि उसने तैयारी सामने उसके डाल दिए। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि बातें तो इसने बड़ी बड़ी की हैं, बल्कि उसके साथी जितने भी जनरल्स थे ना दूसरे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी छोड़ी, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यार उसने ये, हमने एक वीडियो की नहीं थी, इंडिया पहले क्लिप भेजा था, उस न्याज ने कहा था इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब की अख्याला बोला था प्रोग्राम, तो ये हिस्सा, ये खेल का हिस्सा था, ये भी खेल, सरेंडर करना भी खेल का हिस्सा। मैंने इस इतना गैर संजीदा जो है ना जनरल जिंदगी में पहली दफा देखा है कि जो हर बात को बिना मजाक की शक्ल में इख्तियार कर लेता था, पता नहीं उस बंदे में क्या बात थी। भाई नीचे एक किसी इंडियन भाई ने मुझे कमेंट किया था, जब मैंने कहा था ना कि डूब के मर जाते आज भी तो मर ही गए हैं, तो नीचे भाई किसने कमेंट किया था उस वीडियो में कि भाई ईगो के खातर 93,000 को कत्ल करवाना कोई मतलब अकलमंदी नहीं है। तो मैं उसको यह जवाब देना चाहता हूँ कि भाई अगर 93,000 उस वक्त मर जाते तो आज भी तुम्हारी गए हैं, तो ये वाला जो पाकिस्तान ईगो नहीं थी, ये पूरे पाकिस्तान की इज्जत ईगो शामिल है, जो भी शामिल है, लेकिन मैं ये आज भी कहता हूँ इनको सरेंडर करने की बजाय मैं कहता हूँ कि मर जाते लड़ के मरते निहत्ते। लेकिन यकीन जाने जब इंडियंस जो है ना गाड़ी में आए थे ना वहां पे बांग्लादेश में, तो इतना उनका वार्म वेलकम किया गया था ना, हाथ चूम रहे थे बंगाली उनके, तो चूमने थे मेरी, मैंने जब देखा ना, अब भी जब देखता हूँ ना खून, कसम से खून खौलता है कि हम पाकिस्तानी और हमारी आर्मी है, पैंट उतरी है, कसम उठा के कह रहा हूँ खून खौलता है। और ये सिर्फ हमारे लिए शेर है, जिस तरह सके ये हमारे लिए शेर है, हम क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता वो देख करके यार ये हमारी आर्मी ने किया क्या। और हमारी चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस ने एक बात की थी इमरान खान को सिक्योरिटी देने की कि आप क्यों नहीं रिहा करते, इस तरह का मुकालमा हो रहा था लतीफ खोसा के साथ, उसने बाहर कह रहे थे हमारे लिए, हमारे पास कौन सी सिक्योरिटी है, हमारे पास कौन सी आर्मी खड़ी है। तो उसके कहने का मकसद ये था कि मेरे साथ आर्मी नहीं है, मैं अगेंस्ट नहीं जा सकता आर्मी के, मैं किसी को तहफ़ के रहा, मेरे फैसले तहफ़ नहीं दे सकते, तो ये कठपुतलिया ये कट तारे लगा के बंद करके आप घर जाके सो जाए। ये एक बंदा जो इतनी देर से पाकिस्तान से भगोड़ा निकला हुआ था वापस आया, उसको अब सारी उम्र के लिए अहल करार दिया गया है, ये अदालतें हैं पाकिस्तान की। नौ मिसाइल मैं नहीं मानता कि ये मुमकिन है, ये कभी भी नहीं हो, मैं ये नहीं कहता कि उनकी बुजदिलाना हरकत होगी कि वो बुजदिली की वजह से वो ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे जरूर, लेकिन नौ मिसाइल और इतनी जल्दी इस तरह हमला नहीं कर सकते, ये बेवकूफी वाली बात है। तो फिर इमरान खान क्यों किया था, झूठ बोल रहा था इमरान खान, यार मुझे इस बात की समझ नहीं आई। ओ भाई थी ना बातें ये आज निकल रही है, इमरान खान को पता था, इंटेलिजेंस को सारा पता होता है कि इमरान को हो सकता है पैगाम, हो सकता कुछ नहीं था, तो यार होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन छोड़ा इस वजह से कि खित्ते में जंग कहीं शुरू, वो तो इंडिया को भी तो पता थी, इंडिया देखने को ग्रो कर रहा था, वो सबसे ज्यादा खतरा था उसको, होना खतरा उसको क्या होना है, मतलब कि वो इतनी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा था और मजीद तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट कंट्री है, तो उसको क्या जो डेवलपमेंट कंट्री कंट्री है, लेकिन अभी जो है ना लेकिन इतना ज्यादा जो है ना लड़ाई, बात 100 बात की एक बात भाई, घर का शेर बाहर ढेर, बस हमारी आर्मी का यही है, तो ढेर होगा क्योंकि खुद माना है जो सादिक मना कि हमारे जो आर्मी चीफ थे क्या नाम है उस वक्त बाजवा साहब आसम क्या नाम उनका
कमर जवेद बाजवा साहब के माथे में पसीना था। ऐसे ऐसे मेरा आप मुझे ये बात आपने नहीं से वो मुल्क अपने से मुखलस थे जिनको बस उनको पसीना होता है जो अपनी कंट्री से मुखलस होते हैं कि मेरी कंट्री को जो है कोई नुकसान ना पहुंचे। एक फिल्म में था ना तो भाई कहते थे कि पेंट गीली हो गई पेंट गीली थे और ऐसे हो गया था। सही में थैंक यू भाई इंडिया आपने हमें बचा लिया। आप अगर पाकिस्तान ने माफी ना मांगते ना छोड़ते भी ना तो आज हालात कुछ और के और होते थे। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।